गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मौसम तो बहुत ही सुहाना है, सर्दी भी थोड़ी सी कम हो गई है, माइनस से अब थोड़ा सा टेम्परेचर तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ रहा है, और उम्मीद है कि आज का दिन हमारा जो है वो ठंड में नहीं गुजरेगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं थोड़ा बहुत तैयार हुआ हुआ तो आज का जो हमारा प्लान है वो हम लेडीज़ का है, हैमबर्ग जाने का, और हम सब ने प्लान किया है कि हम हैमबर्ग जाएंगे। हैमबर्ग में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए हम बच्चों को साथ में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। तो इस वजह से हम लेडीज़ ने प्लान बनाया, और जो हमारे हस्बैंड है वो घर में रहेंगे और बच्चों को देखेंगे आज का दिन। सो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा है। कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, हैमबर्ग में बारिश नहीं हो क्योंकि मैंने जो कोट लिया हुआ है वो गीला हो जाएगा। हाँ, पे अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि 9:30 तो हो चुके हैं और मुझे 10 बजे निकलना है ट्रेन के लिए, और हमारी ट्रेन 10:30 है। तो सुमैरा मुझे पिक करेंगी, और उनकी गाड़ी कहाँ पे आ रही है, बारिश की वजह से वो हो जाएंगे ख़राब। तो ये हम पहुँच गए हैं, साइमा भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, और सुमैरा देखो हमारे आने पर अलार्म बज गए, कुछ लाई होगी तुम मेरे साथ। सो हमारा एक बंदा कम हो गया, कम नहीं हो गया, लेट हो गया क्योंकि उसको ट्रेन लेकर आना था, तो ट्रेन लेकर उसको आना था यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम सबके साथ जाना था, और हम लोगों ने तो बस यहीं पे बैठना था। सो होप सो कि वो जल्दी आ जाए और हमें ज्वाइन करे। जगह तो ले ली उसके लिए, देखो बैग बैग डाल दिया, और साइमा ने तो बहुत जगह रखी है, 3 सीट वो बड़ी के साथ भी रखी है, और पूरी ट्रेन खाली है, अगर बच्चे भी आ जाए तो बड़ा ही लगेगा। हाँ, तो फिर यहीं पे ही जाएगा। यहाँ पे सुमैरा हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि जुलेखा नहीं आ रही है, लेकिन सुमैरा का और जुलेखा का हम दोनों को सरप्राइज देने का प्लान है। मैं कॉफी के बजाय हमारी कोला चल रही है। यहाँ पे आ गया था हमारा ब्रेमन, यहाँ से हमें चेंज करनी है अपनी ट्रेन। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैमरे की पावर, गर्ल्स ये देखें कैमरे की वो। ब्रेमन के स्टेशन में बहुत क्राउड था, भागम भागम जल्दी से भाग। MERB 41 भाग भाग के अपनी ट्रेन लेनी है क्योंकि 7 मिनट्स में हमारी ट्रेन है। ले जी, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेन कर चुकी है मिस, और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए क्योंकि सुबह के नाश्ते में हमने कुछ नहीं किया, सो कॉफ़ी की तलब हो रही है, और यहाँ पे हमने सबने कॉफ़ी ली है। बस में हम बैठे, बस में नहीं है, ट्रेन है सॉरी। ये ब्रेमन है, ये हम हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है। साइमा को कितनी जल्दी है नीचे उतरने की। हाँ यार, कहीं ट्रेन में बैठे रहेंगे तो उसका ख्याल है कि चलती ट्रेन से सांग लगा देनी चाहिए, और तब से 4 दफा कहते हैं कि नीचे उतरो नीचे उतरो। हाँ यार, नीचे उतरो। हम लोगों का ख्याल है कि अभी बानू पाएगा तो हम खड़े होंगे, और साइमा चाहती है अभी यहीं से चलाना क्योंकि ये हैमबर्ग गंदी खिड़की से देखे, कभी आपने गंदी खिड़की से ना देखा होगा। अब हम खाने की तलाश में निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अकेले तो नहीं है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठंड, जर्मनी का मौसम तो हमेशा ठंडा ही रहता है। मैं अपनी कैप भूल आई हूँ, इतनी मेहनत से मैंने इतनी मैचिंग कैप ली थी और मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे हमने बादशाह रेस्टोरेंट में खाना खाया क्योंकि बादशाह का हमने टेस्ट ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, तो हमें आइडिया था कि यहाँ का खाना अच्छा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ही आके खाना खाया। और यहाँ के खाने में हमने खाया
छोले भटूरे, साथ में बिरयानी और साथ में एक थाली ली और नान लिया। चाय और अब हम देखते हैं हैमबर्ग, हैमबर्ग की गलियां, हैमबर्ग की क्रिसमस सेलिब्रेशन हम देखने के लिए निकल गए। अपने अपने कपड़ों से मैचिंग बैग लेकर यहाँ से यहाँ पे फोटो बनवा रही है, देखे जरा मेरा भी बना ये देखे। वो कहते हैं चोरों को मर गए मोर। नहीं हमारे अपने इतने प्यारे हैं तो उन्हें जरूरत सही बात मैं क्यों ना हूँ भाई। हम 500 फोटोज़ लेने के बाद और एक शॉप घूमने के बाद थक चुके हैं और अब हम थोड़ा सा कर रहे हैं रेस्ट और फिर उसके बाद हम अपनी क्रिसमस मार्केट देखने के लिए, हैमबर्ग की सबसे बड़ी क्रिसमस मार्केट देखने के लिए चलना शुरू करेंगे। सो गाइस, हैमबर्ग काफ़ी बड़ा सिटी है जिसकी वजह से यहाँ पर हर जगह जगह पर क्रिसमस मार्केट लगाई गई हैं। हर 500 मीटर्स पे क्रिसमस मार्केट लगी होती है, लेकिन हमें जो क्रिसमस मार्केट देखनी है वो सबसे बड़ी हैमबर्ग की क्रिसमस मार्केट स्पेशल होती है, हमें वहाँ पे जाना है। सो रास्ते में ये छोटे छोटे मार्केट्स आ रही हैं। इतना खूबसूरत सी जगह है, इतनी डेकोरेशन हुई है, हमारे आने से और ज्यादा खूबसूरत हो गई है जैसे हम हैं। मस्त जोक मारा रे ये हाथ। ये देखा खूबसूरती दादी इधर बैठ गई है, ये तो सारी यहाँ है। मेरे व्लॉग में मैं ही नहीं होती ऐसे लेके जाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी है, जरूर आए क्रिसमस पे, खास तौर पे आया करें, हमने परेड मिस कर दी है, लेकिन आप आए और आके घूमे फिरे यहाँ की शोभा बढ़ाएं। और यहाँ पे क्रिसमस में बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन हुई है, हम आएंगे तो फिर होगा ना सारा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने आप यहाँ पे रखे हैमबर्ग की हमने जो शान को दुबाला कर दिया है अपनी मौजूदगी से, अदरवाइज तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो आते हैं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम बहुत ज़्यादा थके नहीं हैं, लेकिन हम फ्रेश हैं अभी तक ना, हम कितनी देर से चल रहे हैं, सुबह 10 बजे से और रात में सोए भी नहीं है। तो देख रही हूँ 7645 की फर्स्ट नंबर पे जो है, क्या है इसमें, ये डायमंड्स हैं। पैसे दे दो कि इधर आए और चार चोर मूर्तियाँ निकल जाए। यार चार नहीं लेगी, यार चार ही अगर देना ही है तो फिर बता। ये थी वो हैमबर्ग की मार्केट जो हम देखने के लिए स्पेशल आए थे
और उस तक जाने के लिए हमें यहाँ से गुजर के जाना था। और ये जो है अब क्रिसमस मार्ट में आपको दिखाने लगी हूँ हैम्बर्ग की सबसे बड़ी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सेंटा क्लॉज दिखाती हूँ जो कि फ्लाई कर रहा था। बस पे बैठे हैं क्योंकि फान ऑफ है, काफ़ी चल के जाना पड़ेगा। हम उन्नीस नंबर ही देखते रहते। आपको बैठना है? नहीं, आप तो एक मिनट ज़्यादा, और इसलिए तो आप बंधन के रहते। नहीं जी, हमें काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते और अब हम पहुंचे हैं बानाफ पे और अब अपनी ट्रेन पकड़ने का टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब हम घर जाने से पहले अपना पेट पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। बानाफ पे हमने रेस्टोरेंट ढूंढना शुरू कर दिए क्योंकि हम कुछ ऐसा खाना चाह रहे थे जिसको हम पिक करें और ट्रेन में बैठ के खा सकें और इन्जॉय करें। कहाँ है KFC? कहाँ? तो फाइनली हमें KFC मिल गया है ये, और अब हम यहाँ से लेंगे चिकन बकेट्स और फिर उसके बाद हम सिंगर लेंगे और फिर हम ट्रेन में बैठ के उसको खाएंगे। हमारी ट्रेन आने में अभी 45 मिनट्स बाकी हैं तो हमने सोचा क्यों ना चाय कॉफ़ी पी लेते हैं और यहाँ से फिर हम कॉफ़ी बाय करने लग गए ताकि हमारा टाइम भी गुजर जाए और साथ में कुछ पी भी। बैठ गया ट्रेन पे और अब हम खाएंगे अपना खाना जो हमने KFC से लिया था। बाय बाय हैम्बर्ग, सी यू नेक्स्ट टाइम। साइमन एंड योर नूडल्स, हमने लिया KFC, डॉली ने भी लिया। ये हमारा अब खाने का मनोरंजन शुरू होने लगा है। मनोरंजन बहुत ही ज़्यादा रश हो गया और हमने जल्दी से अपनी सीट ली है ताकि हमें बेसिक ट्रिक लगा करके देसी ट्रिक चलते हैं ट्रेन में। और ये देखें लोग खड़े हुए हैं। सो गाइज, यहाँ पे मेरा होता है सफ़र ख़त्म और मेरी वीडियो भी होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।